गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आर लास्ट डे इन मनाली और अब हम ये मेस सारा क्लियर करने के बाद चेकआउट करेंगे. लक्ष्य इज बिजी ब्रशिंग. मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. ही इज लेट. यस व्हाट? यस ही ऑलवेज ही इज ऑलवेज लेट. डोंट डू दैट. गेट रेडी. अभी पैकिंग में आपने मेरी हेल्प करानी है. जल्दी करो. क्या है ये भैया? ये भैया ने मेरे को हिमाचली टोपी दी है. कैप, मतलब वार्म कैप, एज अ जेस्चर कि हमने इनके यहाँ स्टे किया. थैंक यू वेरी मच भैया. आपका नाम क्या है? रविंदर. रविंदर जी की सर्विस बहुत अच्छी लगी हमें. हाँ, मुझे भी दी है कैप. हाँ, आप दिखा सकते हो. वेरोनिका को ये कैप मिली है. थैंक यू भैया. So guys, finally we are leaving. It's time to leave Manali. And it was a pleasant stay here at Holiday Villa. Yes. And Sara staff is so helpful, है ना? हाँ. और special thanks to Dinesh, Mahima, Thakur ji और आपका. हाँ मैम ने जो हमारी फोटो खींची बहुत अच्छी. What's your name, मैम? आपका नाम क्या? सरिता. सरिता मैम. हम मिलवाते हैं आप. वो मैम है सरिता मैम, जिन्होंने हमारी इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी है. क्योंकि हमसे बहुत लोग पूछते हैं कौन आपकी पिक्चर्स क्लिक करता है, कौन हमारा वीडियो बनाता है. तो हम बताना चाहते हैं, ये दिनेश भैया है जिन्होंने हमारी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. नेक्स्ट टाइम हम यहीं रुकेंगे, यहीं आएंगे. वेरी ठंड. चलो जी, चले दिल्ली. यस. Home sweet home. It's raining.
सो गाइज वी आर बैक होम और अब हम बहुत थक गए हैं, वेरी टायर्ड. एंड मतलब बिफोर वी एंड दिस वीडियो हमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुकिंग ऑफ द बस. या बस हमने इसलिए बुक करवाई बिकॉज ऑब्वियसली हम दोनों जा रहे थे, तो आई प्रेफर्ड कि यार बस थोड़ी कन्वीनियंट होती है, वी कैन गो आराम से एकदम रिलैक्स, मतलब सो के थोड़ा, अगर रास्ते में आपको मतलब थोड़ा नींद भी आए कुछ भी आए तो यू कैन स्लीप. एग्जैक्टली. बीइंग लाइक मेरे को थोड़ा अकेले ड्राइव करनी पड़ती तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता. एंड वहाँ की कंडीशंस भी पता नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, स्नोफॉल कितना है, या स्नोफॉल कितना है कितना नहीं, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि बस वॉल्वो इज अ बेटर ऑप्शन. एग्जैक्टली. एंड इट वाज इंडीड. And then we booked our hotel. हमने booking.com से अपना होटल बुक कराया, बट जो होटल हमने बुक कराया when we went there हम उस होटल से इतने सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज वो नई प्रॉपर्टी थी और उसमें इतना कुछ सर्विसेज वगैरह दे, स्टाफ भी नहीं था वहाँ पे, तो इतना हम we were not satisfied. Then we decided to like change the very same day and we looked for hotels, we called, हमने फोन करा वहाँ पे, पूछा कि आपके पास रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और जिन जिनके पास अवेलेबल थे उनसे हमने बोला कि काइंडली शेयर द पिक्चर्स एंड सो दैट हम लोगों को पता लगे कि वट काइंड ऑफ रूम दे आर गिविंग एंड एवरीथिंग. हमने रिव्यूज पढ़े, सब कुछ किया, हमें एक होटल समझ आया, बट हम स्पेशली उस होटल को देखने गए जस्ट फॉर आर सेटिस्फेक्शन बिकॉज हम नेक्स्ट थ्री डेज ऑलरेडी हम वहाँ पहुंच ही गए थे, तो इट्स बेटर ना कि यार एक बार देख के ही हम वहाँ पे दोबारा पैसे इन्वेस्ट करें एंड स्पेंड करें. सो तो वी वेंट और हमें अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आवर स्टे वाज अमेजिंग, है ना, वेरी गुड. एंड उन्होंने हमें डिनर और ब्रेकफास्ट दिया था एंड फूड वाज अमेजिंग, है ना. एंड यार अगर कहीं भी, पर्सनली मेरा तो ये मानना है अगर आप कहीं भी जाते हो ना तो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो दैट्स लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं सारा दिन बाहर घूमना है तो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में रह लो, बट ऐसा होता नहीं है. बट बिकॉज व्हेन यू कम बैक तो आपको एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट और यू नो एक अमेजिंग सी प्रॉपर्टी, यू फील दैट या चलो अब थक गए हैं एंड आराम से रिलैक्स कर लो. एंड हमें हॉलिडे विला ने दे मेड अस फील लाइक होम, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इवन द पीपल वर सो हेल्पिंग आई कांट टेल यू, या एंड दे मेड अस फील होम. एग्जैक्टली. एंड उसके बाद बाकी सब तो आपने देखा ही है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, पार्ट वन पार्ट टू, कहाँ कहाँ हम गए, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया. ऑल्सो गाइज जब आप अपना होटल बुक करा लेते हो और आप होटल में रहते हो तो आप अपने होटल वालों से यू नो कॉम्प्लीमेंट्री कैब्स वगैरह भी पूछ सकते हो, दे गिव अस, आई मीन मतलब बात करके आप रिक्वेस्ट करो तो दे विल गिव यू मॉल रोड तक के लिए. Exactly. लाइक थोड़ा सा अगर 1-2-3 किलोमीटर तक आपको जाना है. और हाँ तो... हम लोगों ने मॉल रोड पूरा पैदल एक्सप्लोर किया. हाँ, आपने सबने देखा ही था बिकॉज वो ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन था, तो हमने पूरा इतना ट्रैफिक था, इट्स बेटर. आप वैसे भी यू नो पैदल चल के पीपल कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द प्लेस, तो इट्स बेटर यू वॉक एंड एक्सप्लोर द प्लेस. मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा कि व्हेन अगर आप गाड़ी में बैठे हो ना, आप इतनी उस प्लेस के बारे में ना ज्यादा जान पाते हो, ना उसको मतलब एक्सप्लोर कर पाते हो, रादर देन इफ यू विल वॉक तो आप उस चीज, उस जगह को अच्छे से जान पाते हो. Exactly. उस जगह की एक एक चीज को आप फील कर सकते हो, एक्चुअली फील द वाइब जिसको कहते हैं ना, वो आपको बाय वॉक ही समझ आएगी. ऑल्सो आप अपने अपने होटल वालों से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो टू अपग्रेड योर रूम. हाँ, वो एंड इट्स देयर पर्सनल चॉइस. एग्जैक्टली. और क्या हमने और क्या चीजें करी थी, और बाकी हमने हाँ सोलांग वैली के लिए हमने टैक्सी वगैरह वो सब पहले ही प्री बुक कर ली थी, वो भी हमने होटल से ही कर ली थी. तो इट इज प्रेफरेबल कि आप होटल वालों से ही टैक्सी का पूछ लो बिकॉज दे गिव यू डिस्काउंटेड रेट्स, क्योंकि हमने बाहर से भी पूछा था एंड वी वर गेटिंग हायर रेट्स. एंड सेकेंडली वो थोड़ा सेफ ऑप्शन भी रहता है बिकॉज होटल से आप ये सब चीजें बुक करो तो एग्जैक्टली यू हैव ट्रस्ट फैक्टर ऑन दैट कि किसी एक ट्रस्टेड जगह से आपने वो चीज बुक करी है, तो बेसिकली ये पर्सनल चॉइस है, बाकी आप बाहर से भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. तो होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग अस एंड कीप शेयरिंग लॉट्स ऑफ लव, बहुत जरूरत है हमें, सो दैट हम ऐसे सपोर्ट आवर चैनल. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट आल्सो. या ऑब्वियसली कमेंट आल्सो, हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, एंड इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी सो दैट वी कैन मेक मोर वीडियोस. Bye. Bye, guys.